नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको हर एस्पेक्ट से आगाह करना है कि क्या जुलाई 31 तक ये प्रोजेक्ट किसी भी सूरत मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। इस वक्त एक और स्टेशन पर हम मौजूद हैं और ये जो है जीपीओ का स्टेशन है। आपको याद होगा पिछली बारिशों के सीज़न में, जो बरसात का सीज़न, मानसून का सीज़न लगा था, उसमें जीपीओ का स्टेशन जो था वो बैठ गया था और जीपीओ चौक के ऊपर बहुत बड़ा गड़ा पड़ चुका था। नाज़रीन, कुछ लोगों ने जो लाहौर से जिनका ताल्लुक नहीं है, उनको ये भी लगा कि कोई ओल्ड बिल्डिंग या कोई आसारे कदीमा है जो नीचे से निकल आया, लेकिन वो ऑरेंज ट्रेन ट्रैक था जो ढस चुका था और वहाँ पे गड़ा पड़ चुका था। नाज़रीन, यहाँ पर जितना काम हो रहा है वो भी जनरेटर्स के बलबूते पे हो रहा है। बड़े बड़े जनरेटर्स 1, 2 और 3 यहाँ पर हैं और जो कि पेट्रोल से चल रहे हैं। बिजली की अदम मौजूदगी यहाँ पर और बिजली की अदम मौजूदगी की वजह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजली ना होने की वजह से पेट्रोल की लागत जो कि इस के ऊपर लग रही है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर लग रही है, उससे भी इस प्रोजेक्ट की जो टोटल लागत है उसमें इजाफा हो रहा है। हमारे नुमाइंदे हसन रजा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदी कहते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के ऊपर रिपोर्टिंग इतनी मुश्किल क्यों है? जो लास्ट जनवरी के महीने में टॉप स्टोरी प्रोग्राम मैंने कंडक्ट किया था उसमें भी हमें मना कर दिया गया था कि इंटरनेशनल वर्कर्स की वजह, सिक्योरिटी की वजह से इसके ऊपर रिपोर्टिंग मना है। तो क्या हम आवाम जो कि मुंतजर हैं कि ऑरेंज ट्रेन ट्रैक मुकम्मल कब होगा उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना हमारा फ़र्ज़ है, हम क्या अपना फ़र्ज़ अदा ना करें? नहीं, फ़र्ज़ तो अदा करना चाहिए, लेकिन हुकूमत का हमेशा से ये जो है वो रवैया भी रहा है, उनकी हिकमत अमली भी रही है कि जहाँ पर उनकी कोताही होती है उसको मीडिया से दूर रखने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ जो अगर पहले भी आप आए, अब भी हम आए, तो हमने ये कोशिश की है, साथ साथ हम दिखाते भी रहते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ हैं वो भी इंस्टॉल की जा चुकी हैं, उन्हें भी जनरेटर की मदद से ही जो सप्लाई है वो दी जा रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, यहाँ पे जो है बुनियादी तौर पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनको 1.5 माह का टारगेट दिया गया है कि ये जो है जो बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं हाई कोर्ट के सामने है, यहाँ पे उन्होंने पाबंदी लगाई है कि 1.5 माह के अंदर आपने हर सूरत इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो है वो काम किया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ जो है चीज़ सामने आई है यहाँ पे उनकी नाकस हिकमत अमली ये है कि उनसे मजदूरों से पूछा गया, बाकी ऑफिसर से पूछा गया, उनका ये कहना है कि हमें 1.5 महीने का कहा गया है, लेकिन हमने उनको कहा है कि कम अज़ कम 6 महीने का टाइम जो है हमें दरकार है और जुलाई तक, जिस आप बता रही हैं जुलाई तक मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। पहले जो है 320 अरब रुपये से ज़ायद इस प्रोजेक्ट पर लग चुका, वो अलग चीज़ है कि हर को जो आने के बाद मामला को किसी और एंगल से बना के पेश किया जाता है। यही रीज़न है कि हकायक जब दिखाने जाते हैं तो हकूमत पंजाब ये कोशिश करती है शायद इसको जो है वो छिपाया जाए। अगर मैं आपको बताऊं कि अब तक जो है कितना पैसा किस की प्रोजेक्ट पे जो है वो लग चुका है, पैकेज 1 जो है वो डेरा गुजरात जो है वो चुबुर्जी तक है, जो 95.41% मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह पैकेज 2 जो है वो चुबुर्जी से अलीटाउन तक है, वो 87.91% जो है वो % कम्प्लीट हो चुका है। पैकेज 3 जो है वो डिपोर्ट टू डेरा गुजरा है, वो 92.79% जो है वो मुकम्मल हो चुका है। पैकेज 4 जो है वो स्टिबलिंग यार्ड से जो है अलीटाउन तक है, वो 94.17% तक जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है। ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो 90% है, 90% है। और यही चीज 90% प्रोग्रेस होने के बावजूद आवाम को ये नहीं लगता कि 31 जुलाई जो कि इसकी डेडलाइन है तब तक ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और आवाम इसके ऊपर सैर करने में कामयाब हो पाएंगे। फिर अगर तो 90% ये मंसूबा कम्प्लीट हो गया है तो 3-4 महीने तक यानी 31 जुलाई तक ये मुकम्मल क्यों नहीं हो सकता? देखें, जब शबाशिफ साहब गए थे तो मुझे याद है उस वक्त भी उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी थी और तमाम सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी थी, आपको भी याद होगा ब्रीफिंग दी गई थी, तो उस वक्त बताया गया था 87.90% मुकम्मल हो चुका, यानी अब आने के बाद सिर्फ 2% काम मुकम्मल हुआ है। इतने 6.5-7 माह गुजर गए और अब जाके सिर्फ इतना काम मुकम्मल हो चुका है, बाकी काम किसने कम्प्लीट करना था? इस हुकूमत ने आने के बाद बजाय कि इसको कंप्लीट करते उसको डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने शुरू। अच्छा, डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो बजट रखा गया था पंजाब असम्बली से, जो ऑरेंज ट्रेन का बजट था वो कितना था और क्या उसको ठीक तरीके से सही मायनों में यूटिलाइज किया जा रहा है? देखिए, आपने जो स्टार्ट में दिखाया है शायद वो अवाम तक, अवाम को ये समझ जो है वो पाए कि एक सड़क जो है उसको 3 दफ़ा उसकी खुदाई करके दोबारा उसके जो है वो तमीर और मुरम्मत की गई।
एक ठेकेदार को नवाजने के लिए पहले उसको ठेका दिया जाता है, फिर उसकी उखाड़ बिछाड़ करके दोबारा उसका। ये कौन सी हुकूमत करती है? ये पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, अब आने के बाद अब तो मौजूदा हुकूमत के एग्जिस्ट करती है। तो क्या नया पाकिस्तान नहीं बना? नया पाकिस्तान क्या तब्दीली? नया पाकिस्तान में भी पुरानी चीजें हो रही है। वही चीजें अगर आप देखें, जितना इसको आप डिले करते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। 6 करोड़ रुपए जो है वो आपको पता है कि हम कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है रोजाना की बुनियाद पे, अब वो हमने देना है, अवाम ने, लाहौरियों ने देना है। ये कर्जा है या जुर्माना है? ये जुर्माना है और भी कर्जा अलग से आएगा। आप अंदाजा करें, हम आवाम को, आवाम ये समझ नहीं पाती कि इस मनसूबे के लिए, बहुत अच्छी बात है मनसूबे होने चाहिए, लेकिन इसको बरवक्त मुकम्मल करने का टास्क भी होना चाहिए। अब इस हुकूमत ने आने के बाद इसको जो है वो डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। पहले जो है पहली मीटिंग में, कैबिनेट की मीटिंग में, सूबाई वज़ीर तरीम डॉक्टर मुराद रास ने इमरान खान साहब को ये कहा, इसको बंद कर दें, इसको उखाड़ के ख़त्म कर दें, ऑनी टेंट बंद कर दें। यानी ऐसे वज़रा जिनको पता ही नहीं है कि आवाम के हकूक क्या, आवाम के मसाइल क्या हैं, उस अब बात ये आती है कि जो गुज़िश्ता दौर था उसमें ऑरेंज ट्रेन का एक पूरी कमेटी थी, उसके स्टेयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी थे, क्या अब मौजूदा हुकूमत में ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए क्या कोई कमेटी बनाई गई है और क्या उस कमेटी को कोई चेयर कर रहा है, उसका कोई सरबराह है? देखें, जो तारीखी अमारात हैं उस पर तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कमेटी तशकील दी गई है और वो मुतली मकामात का विज़िट करके, क्योंकि उसमें रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो खुद बैठे हैं, उनके अहकाम पे इंप्लीमेंट होता है, वो तो काम कर रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो सरकार ने कमेटी बनाई है, बल्दियात ने जो मामलात में मुदाखलत की थी, हाउसिंग के डिपार्टमेंट हैं, बाकी वो तो मुकम्मल तौर पे लाइन दिखाई देते हैं, दावे तो बड़े हैं कि इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। आप ये प्रोजेक्ट देख ले, नहीं, कोई भी अभी इस लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई, ना ही उसको कोई चेयर कर रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ठीक है नाजीन, थोड़े से मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूंगी, विजुअल्स दिखा दें, नीचे की जानिब काम हो रहा है और यहाँ पे रिपोर्टिंग नीचे जाके अलाउड नहीं है और उसका जवाब ये दिया जाता है कि इंटरनेशनल वर्कर्स की वजह से, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की वजह से आप ऑरेंज ट्रेन का कोई भी इफेक्ट आवाम के साथ शेयर नहीं कर सकते। और इसके अलावा मैं उस जानिब चलूंगी नाजीन, वहाँ क्या हकायक है ये भी आपको बताएंगे, आइए उस जानिब चलते हैं। जी नाजीन, एक और लोकेशन पे हम मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि पीछे काम हो रहा है और ये सारा सिविल वर्क जो है उसको किया जा रहा है। सिविल वर्क में वो काम आता है जिसमें आपकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है और इस तरह से ये काम कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने में और जो स्टेशन की छत तामीर करने में ये काम कर रहे हैं, ये तमाम तर सिविल वर्क में आता है। और मैं आपको पहले भी इफेक्ट्स जो हैं वो शेयर कर चुकी हूँ कि जो सिविल वर्क है उसके लिए बजट कम है और जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम है उसके लिए जो बजट है वो ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम इसलिए नहीं हो रहा है, ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ, बर्क रफ्तारी के साथ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ग्रिड स्टेशन जो है वो तामीर नहीं हुए हैं। पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि एक महीने के अंदर अंदर जो ग्रिड स्टेशन है वो तामीर कर लिए जाएंगे, जिसके बाद और इंस्ट्रूमेंट के ट्रैक को बिजली की जो फराहमी है वो मुमकिन हो जाएगी और उसकी बिजली जो है वो बहाल हो जाएगी, जिसके बाद जो काम है वो बर्क रफ्तारी से हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हसन रजा। नाजिन यहाँ पे एक फैक्ट आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि मौजूदा हुकूमत के किसी भी वजीर से जब हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं तो सबसे पहला जवाब जो है वजीर की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी वजीर की जानिब से ये आता है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत है वो खजाना खाली करके गई है और अब खजाने में पैसे नहीं है, जिसके लिए आवाम को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नाजिन इस सारी सूरत हाल में जहां नौकरियां दी नहीं जा रही हैं, नौकरियां ली जा रही हैं, वहां पर अरकान असम्बली, पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहें हजारों से निकाल कर लाखों में कर दी गई हैं और आज पंजाब असम्बली में वो बिल भी पास हो गया है। तो पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में क्या फ़र्क रहा? पुराने पाकिस्तान में फ़र्क ये था कि मेंबरान असम्बली की तनख्वाहें जो हैं वो कुछ हज़ारों में थी, अब जो हैं वो लाखों में चली गई हैं, उनका प्रोटोकॉल बढ़ गया है, उनकी मुराद बढ़ गई है, सियासत मुदाखलत बढ़ गई है। जो गुज़िश्ता हुकूमत का, ये पिछली हुकूमत में ये निशाना करते थे कि उनकी दौर में जो है परवेज़ लाही के प्रोजेक्ट को जो है वो इल्तवा का शिकार बनाया गया, म्यू हॉस्पिटल की बात थी, मुतली PIC की बात थी, उसको डिले किया गया। अब ये हुकूमत तो इस जो हुकूमत के मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट थे उनको डिले करना शुरू कर दिया, उसको इल्तवा में रखना शुरू कर दिया। कई तरक्याती स्कीमों के लिए कहते पैसे नहीं हैं, आप देखें 1500 तरक्याती स्कीमों के लिए पैसे
से मौजूद होने के बावजूद उन्होंने फंड जारी नहीं किए, क्यों? वो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं, हम इसको जारी नहीं कर सकते, अगले साल नई तरक्याती स्कीमें आएंगी, हम उनके लिए पैसे जारी करेंगे। तो पहले जो जारी मनसूबे थे वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनसे दीगर जो है वो आपने बैंकों के साथ, एनजीओ के साथ, दीगर जो है मल्टी नेशनल कंपनीज के साथ आपने एमओयू साइन किए थे, आपने एग्रीमेंट्स किए थे, उसके मुताबिक पैसा तो लगना है। अगर प्रोजेक्ट पे पैसा नहीं लगेगा तो वो जो है हमें वापस लौटाना है किसी ना कर्जे की सूद के हिसाब से, कर्ज। मतलब जैसा कि मैंने सवाल पूछा कि हुकूमत वक्त के जिस भी वजीर का इंटरव्यू लिया जाए तो वो ये कहते हैं कि खजाने में पैसे नहीं है, तो आवाम ये पूछना चाहती है क्या वाकई खजाने में पैसे नहीं है, क्या पाकिस्तानियों ने काम करना छोड़ दिया है और टैक्स अदा करना छोड़ दिया है? देखिए पैसे अच्छे खासे हैं, बहुत पैसे हैं, अगर पैसे हैं तो इन्होंने अपनी तनख्वाहें जो हैं वो ज्यादा इजाफे करने के लिए कहा ना, जो ये भी बता दीजिए तनख्वाहें पहले कितनी थी अरकान पंजाब असेंबली की और आप कितनी हो गई हैं आज के बिल के पास होने के बाद? देखिए आज जो है जो पंजाब असेंबली में तनख्वाहों का इजाफी जो अराकीन असेंबली की तनख्वाहों का बिल था वो जो बहुत स्पीड से आया, कल उन्होंने पेश किया था एक दिन में 24 घंटे में उन्होंने कायमा कमेटी से मंजूर कराने के बाद जो है आज असेंबली से पास करवा लिया। लोकल गवर्नमेंट बिल अभी तक नहीं आया, पुलिस इसलाहत का एक्ट अभी तक नहीं आया, साफ पानी का मामला अभी तक कोई पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इनमें बहुत सारे इशूज़ हैं। जो अगर देखें तो बिल के तहत अराकीन असेंबली की तनख्वाह मुराद 83,000 रुपये महाना से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये तक कर दी गई है। असेंबली 83,000 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे, 2,00,000 उनकी तनख्वाह हो चुकी है। और मेहमानदारी का जो महाना अलाउंस था वो 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है, और अराकीन असेंबली को 83,000 रुपए जो बुनियादी तनख्वाह मिलती थी उससे 2,00,000, और डेली अलाउंस 1,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए अलाउंस किया गया है। हाउस रेंट जो है 29,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है, यानी एक अरकान असेंबली जो है अब 5,00,000 का पड़ जाएगा तकरीबन, आप ये कह सकते हैं कि 2,00,000 है जो ओवरऑल अगर देखा जाए और 4 से 5 शामिल किया जाए तो अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। पहले जो है वो चंद हजार रुपए में थे, क्योंकि वो समझते थे और शहबाज शरीफ साहब पिछली हुकूमत में ये समझते थे कि आवाम को काम करना चाहिए। वो अलग चीज है कि उनके दौर में भी स्कैंडल है, 56 कंपनी स्कैंडल, साफ पानी स्कैंडल, बहुत सारे स्कैंडल है, लेकिन इस हुकूमत की अगर आप देखें, मैं वही बात कहूंगा कि अब तक जितना टाइम गुजर चुका है अगर इसका एहतसाब कर लिया जाए तो शायद 50-60% आवाम जो इनके अहदेदार हैं, हुकूमती अहदेदार हैं, वो शायद नैब की जेल में सजा भुगतने होंगे जो इन्होंने रूल्स को रिलैक्स करते हुए किस तरह इकदाम किए, किस तरह जो आवाम के साथ दावे किए और किस तरह हकायक है। आप ये देखें कि यहाँ पे काम किया जा रहा है। 31 जुलाई द डेड लाइन फॉर ऑरेंज ट्रेन, क्या आपको लगता है कि इतना पैसा नहीं है सरकार के पास कि इस सफेद हाथी को, ये गले की हड्डी है, ना उगली जा सकती है ना निगली जा सकती है बिकॉल पाकिस्तान तरीके इंसाफ, लेकिन आवाम चाहती है ये कंप्लीट हो जाए ताकि जिन मिसाइल का शिकार इस ट्रेन की वजह से आवाम हो रही है जिसमें जल्दी बीमारियां, खांसी, नज़ला, जुकाम है, और इसके अलावा आने जाने का मसला है और टूटी फूटी सड़कें हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, इसके अलावा हम दफ्तर से घर और घर से दफ्तर, स्कूलों से घर और घर से स्कूल जाते हुए जिन मुश्किलात का शिकार रहते हैं रोज लाहौर का शहरी, क्या 31 जुलाई आपको नजर आ रहा है क्योंकि आप रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं, आपके पास तमाम फैक्ट्स भी हैं, कंप्लीट हो जाएगी? देखिए महकमा पीएनडी को अगर देखें तो वो अपने जो है अपने पे कोई मामला नहीं ले रहे, और इसी तरह हाउसिंग डिपार्टमेंट को देखें, महमूद रशीद साहब इसको छोड़ के जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ पर लगे हैं कि हमारे हाउसिंग बनने चाहिए, अपने अफराद को नवाजने पर लगे हैं, हुकूमत इसको अपने पर लेने को तैयार नहीं है, सजीद की नहीं ले रही, और लगता ये है कि शायद ये अगस्त तक चला जाएगा, नवंबर तक चला जाएगा, ये डिले कर, अगस्त और नवंबर तक जाने या एक साल तक जाने में हमें, हम चाइना के कितने ज़्यादा मकरूज हो जाएंगे जुर्माने की मद में? देखिए अभी टोटल जो है वो 350 अरब जो है वो उसको वो पहुंच जाएगा, इस टाइम 320 अरब रुपए से ज़ायद है जो इस टोटल इस पे लग चुके हैं। अगर आप देखें तो अगर 6 करोड़ रुपए जो है रोज़ाना की बुनियाद पे हमें सूद बढ़ रहा है तो हमें बढ़ता हुआ आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 7 से हम तजावुज़ कर जाएंगे, और उसके साथ साथ जो आवाम के मसाइल हैं वो मजीद जन्म ले जाएंगे। डेड लाइन से एक्सीड किया अगर होगा, और ये होगा, उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर कुछ ना कुछ तो चला के दिखाना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामला हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको वो छुपा देंगे। ग्राउंड आप देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा गड़ा बना था, क्योंकि ये कंप्लीट जस्टिस है। एक आखिरी सवाल जिसका शार्प आंसर मैं आपसे चाहती हूँ, क्या ये कंप्लीट जस्टिस है कि ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के ऊपर आप और मेरे जैसे रिपोर्टर्स जो हैं वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकते? जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा शायद उसके बाद भी इस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, क्योंकि इनमें बहुत सारे जो है नाकस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, ठेकेदारों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जाती है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो बनाया गया उसको सामने रखते हुए, कुछ चाइनीज कंपनी भी जरूरी नहीं है कि वो बहुत आला काम करते हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह समझने की जरूरत है कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग के हवाले से इस प्रोजेक्ट पे कितनी जरूरी है।
उनको तो सबके सामने खुला रखना चाहिए कि जो अगर मीडिया की टीम आती है तो उनको दिखाना चाहिए, उनके यहाँ पे बंदे होने चाहिए, नुमाइंदे होने चाहिए। यहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं है। अगर आप प्रेशराइज करके उनको पीछे कर देंगे, इससे हम तो नहीं पीछे हटने वाले, ना पीछे हटने वाली है, हम तो जाके दिखाएंगे कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी है, ये काम है और ये गलत हो रहा है। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मजीद हकायक हमने आपके सामने लेकर आने हैं। ये ट्रेन का जो ट्रैक है या जो ट्रेन है 31 जुलाई को चलेगी या नहीं चलेगी, इसका अंदाजा आप तमाम हकायक से खुद जान चुके होंगे। ब्रेक के बाद दोबारा से आपसे मुलाकात करूंगी, मेरे साथ रहिए।